नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वी टीवी भारत। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर पर आग जमी और पत्थरबाजी हुई। इस घटना की जानकारी कांग्रेस नेता ने फेसबुक पर साझा की और कहा जा रहा है कि उग्रवादियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था और वे सांप्रदायिक के नारे लगा रहे थे। बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवादों में है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISI और बोको हराम से की है और हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया है। इस किताब के एक चैप्टर सैफरन इसका यानी भगवा आसमान में सलमान खुर्शीद लिखते हैं कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से ISI और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। फेसबुक पर घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि क्या मैं अभी भी गलत हूँ? क्या ये हिंदुत्व हो सकता है? वहीं इस घटना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया आई है। इससे पहले शाहजहांपुर में शनिवार को विहिप ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने खुर्शीद की जुबान काटने की भी धमकी दी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं प्रियंका, आपसे लेती इजाजत। नमस्कार।